जय श्री महाकाल। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, इस भोर की बेला में, अमृत की बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और जिस तरीके से मेरा हर दिन का रूटीन होता है, मेरे मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम सब ख़त्म हो गया है, तो बहुत बहुत टाइम के बाद मैं आज मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स ये टाइम उठना और इस टाइम को हमें जीना, इस टाइम के पीस को, इस टाइम के शांति को, इस टाइम के जो जो ये पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो सकारात्मकता जो चारों दिशाओं में फैली होती है, उसको हमें अपने अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साइड में जाना चाहते हैं, या अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि अब कोई भी ऐसी हमें हमारे जीवन में कठिनाई आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा शरीर जो एक मशीन है और मशीन कभी भी ख़राब हो सकता है, लेकिन हम मशीन को मतलब अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मशीन है या कुछ है जो चलती है, अगर मान लो उसको ठीक रखने के लिए टाइम टाइम पे हम उसकी सर्विस करवाते हैं, उसका रिपेयर कराते हैं और ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर है। तो हमें इसको ठीक रखने के लिए कुछ कार्य करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वॉक कहते हैं, योगा कहते हैं। अगर आप ये सब करते हो तो आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक कहलाते हो, एक स्वस्थ दिमाग के मालिक कहलाते हो। आपके दिमाग में नकारात्मकता नहीं आती है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और आप अपने आप पे काबू पा लेते हो, आप अपने आप को समझ जाते हो। कहते हैं ना, मेडिटेशन अगर आप करते हो तो मेडिटेशन हमारे ज़िंदगी में ना चमत्कार लेकर आता है। अगर आप ध्यान की यात्रा में जाते हो, अगर ध्यान में आप उतरते हो, कुछ वक्त लगता है ध्यान को केंद्रित करने में, ध्यान की यात्रा में पहुंचने में, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। अगर एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो हम इंसान हैं। अगर कुछ हैबिट, अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ आदतें, वो आदत जो हमें स्वस्थ रखता है, जो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाता है, सुधारता है, तो अगर हम ये सब कार्य अगर अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो सोचो कि हमारा जीवन कितना सफल हो जाएगा और हम कितने स्वस्थ रहेंगे। तो ज़रूरी है इस मॉर्निंग की बेला में, अभी भी अंधेरा है, धीरे धीरे ये जैसा मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे ये उजाले की ओर अब मतलब ये अंधेरा छट रहा है और उजाला बढ़ रहा है। अब अंधेरा था कुछ टाइम पहले, अब धीरे धीरे क्या होगा, उजाला हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके से है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाती है, जिससे हमें स्ट्रांगली डट के उसके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जो चीज़ें, ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रकृति हमें देती है, जो भगवान ने रच रखा है, वो सब हमारे ज़िंदगी से तालमेल खाता है। जो हमारे ज़िंदगी में है, ये रात हुई तो वो सारी रात मान लो उजाले का इंतज़ार करना, रात उजाले का इंतज़ार करता है या करती है। तो जब अंधेरा होता है तभी हम सोते हैं, तभी हम रेस्ट करते हैं, तभी हम कोई कार्य करते हैं, लेकिन हम जैसे व्यक्ति जो है वो काम करते हैं, क्योंकि हमारा रात को ही सेशन होता है। तो इस तरीके से होते हैं कि अगर कहीं हमारे बाहर के जो पेशेंट होते हैं तो उनके जो ऑनलाइन सेशन होते हैं तो उसके लिए हमें जागना पड़ता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मॉर्निंग के मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तभी हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही थी कि अगर हम ये देखते हैं कि दिन है होती है, रात होती है, रात जो अंधेरे से लुप्त होती है और उसके बाद वो जब इंतज़ार करते हैं कि धीरे 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 सुबह हो जाए, तो ये इंतज़ार करना चाहिए। अगर रात आई है तो रात भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा देती है और फिर हम उजाले की ओर आते हैं। फिर उजाला जब ये टाइम, जब ये ब्रह्म मुहूर्त आता है,
ये टाइम इतने पीसफुली होता है, इतने सकारात्मकता इस वक्त में भरी होती है कि अगर आप कुछ ध्यान कर रहे हो और आप जब अपने इष्ट से, अपने आराध्य से आप जब कनेक्ट होते हो तो आपको लगता है कि आप दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, आप जो बोल रहे हो तो आपकी बातें वहाँ तक पहुँच रही है। कुछ भी अगर आप कहते हैं, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मॉर्निंग में उठते हो तो ये मॉर्निंग इस टाइम में अगर हम उठते हैं तो इतनी स्वच्छ हवा, इतनी शुद्ध ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन आप भरो, लंबी गहरी सांस लो, और जब आप गहरी सांस भरते हो उसके साथ में, आप सांस भरने के साथ में आप अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने भगवान का आप शुक्रिया अदा करो कि आज के सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो मैं जीवित हूँ आज सुबह, जो मैं ये प्रकृति देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये जो मैं सब कुछ अनुभव कर रही हूँ, ये जो मेरा शरीर काम कर रहा है, ये जो मेरी आंखें देख रही है, ये जो मेरे कान सुन रहे हैं, ये जो मेरे मुंह जो जिससे मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये जो पैर हाथ मेरे चल रहे हैं, इन सब के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपको ये अपने अंतरात्मा से, अपने दिल से भगवान का शुक्रिया करना है, उनका धन्यवाद करना है। और जब आप ये करते हो तो एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर ग्रहण करते हो, और ये पॉजिटिविटी आपको सारे दिन ऊर्जा देती रहती है, क्योंकि इस टाइम में आप जो हो कि एक शुद्ध ऊर्जा आप ग्रहण करते हो, सकारात्मक सोच आप ग्रहण करते हो और सकारात्मक आप बोलते हो, यही आपका पूरे दिन बना रहता है और ये ऊर्जा आपके अंदर वर्धमान रहती है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, योग करते हो, प्राणायाम करते हो और ब्रह्म मुहूर्त में जाग के अपने इष्ट को धन्यवाद करते हो, अपने आराध्य को नमन करते हो, शुक्रिया करते हो, और फिर अपने लिए आप, क्योंकि ये जो शरीर है वो शरीर हमारा मंदिर है, तो जब आप इस मंदिर में दिए जलाते हो, जब आप इस मंदिर की पूजा करते हो, तो आप देखो कि आप कितने स्वस्थ रहते हो और कितने सही रहते हो और कितने निरोग रहते हो। तो आपको अपने शरीर की पूजा करनी है, आपको अपने आप को संवारना है, अपने आप को सजाना है, और ये सब हो सकता है प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, आप वॉक करिए, आपको जो सुटेबल लगता है, चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप अपने लिए निकालते हो और ये सब चीज़ें आप करते हो तो आप स्वस्थ रहते हो और आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो। तो हमेशा अच्छा सोचते रहिए, अच्छा करिए और भगवान का शुक्रिया हमेशा आप अदा करते रहिए, पहुँचाइए वहाँ पे यूनिवर्स में अपनी हर दिन ये अफर्मेशन, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ कि हर दिन का अफर्मेशन आप या तो लिख के रखो, या तो नहीं तो आपके दिल से जो निकलती है, जो आप अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए जो आप बोलना चाहते हो, जो आप महसूस करते हो, वो सब आप बोलो। बोलना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ बातें जैसे हमें लिखना बहुत ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें जो हम करना चाहते हैं या जो हमारे साथ हो गया और उसको हम अपने पास नहीं रखना चाहते, जो नहीं रखना चाहते उसको हमने लिख दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया या जला दिया कुछ, लेकिन जो हम अच्छा अनुभव किया उसको हमें डायरी मेंटेन करनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। इसी तरीके से जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलना वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता और वो हमारा मतलब मस्तिष्क वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होती है, पूरी बॉडी में वो बातें, सकारात्मक बातें पहुँचती है और उसके बाद में वो आपको सकारात्मक ऊर्जा देती रहती है। तो ये ज़रूरी है हमें करना, और बस ये थी अभी सुबह की बात। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, सम टाइम लेट हो जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मन करता है मैं हर दिन इस टाइम में वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइए, और कुछ बातें फॉलो भी किया करिए। मैं कोई ज़्यादा मतलब बिना कोई मैं फ़िल्टर करती, ना तो मैं कोई एडिट करती, क्योंकि पता है क्या है, मैं समझती हूँ कि कभी कभी ओरिजिनल आना चाहिए। अगर हम यूट्यूब पे भी है ना, तो ओरिजिनलिटी के करीब हमें होना चाहिए, जो ओरिजिनल हम हैं वही दिखाएं, वही बताएं, और जो अपने अंदर से बातें निकलती है, जो बातें सच होती है, जो बातें हमारे आपके जीवन में सचमुच में एक प्रगति की ओर और एक स्वस्थ जीवन की ओर लेके जाती है,
वही बातें मैं आप लोगों के पास में लेकर आती हूँ, तो होप उम्मीद है कि अच्छी लगती होगी। और जिस तरीके से हम अपने महाकाल को पूछते हैं, आप सब भी अपने अपने इष्ट को पूछते होंगे, जो भी जैसे भी जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, वो सब अपने अपने आराध्य को, आप अपने अपने इष्ट को पूजिए। उनका उनका हमें आराधना करना, उनका ध्यान करना और उनका नमन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको हम धन्यवाद करते हैं तभी हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता है। क्योंकि वो जो एक अदृश्य शक्ति है जो हमें संभाले है, जो हमें हाथ पकड़ के किसी भी मुसीबत से बाहर निकालती है, तो उनका शुक्रिया रोज़ रोज़ कई बार करना बनता है। हाथ खोलिए, ऊपर देखिए, गहरी लंबी सांसें भरिए और अपने आराध्य को नमन करिए, शुक्रिया करिए कि इस जीवन के लिए, आज की सुबह के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, वॉक करिए, ये सब जब आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हो। और अब जिस तरीके से मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो आप किसी भी ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एनजाइटी से, ओवरसिटी से, आप किसी भी चीज़ से, मतलब ओवरथिंकिंग से आप दूर रहते हो, ये छूती नहीं है आपको। और अगर मान लो बाय द वे कुछ ऐसा कुछ होता भी है, तो आप इसको अपने आप से दूर करने में सक्षम रहते हो। तो आप रोज़ प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो और निरोग रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में योग को उतारते रहिए, प्राणायाम को उतारते रहिए, मेडिटेशन को उतारते रहिए और अपने आराध्य को आप शुक्रिया जरूर भेजते रहिए। हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ देते हुए ज़िंदगी को सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए, सकारात्मक सोच अपने अंदर भरते हुए, लंबी गहरी सांस भरते हुए और हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, सुप्रभात, दिन का शुरुआत करिए, बहुत ज़रूरी है।